विपदा की घड़ी में यदि कोई सच्चा मददगार मिल जाए तो उसे आज के दौर में मसीहा ही समझा जाना चाहिए। कर्तव्य निष्ठा की मिसाल पेश करने वाले रिश्रा थाना प्रभारी रसेल परवेज का मानववादी चेहरा एक बार फिर सामने आया। हुआ यूं कि असहाय माँ के पास अपने बच्चे के इलाज के लिए रुपयों की सख्त कमी थी। आर्थिक तंगी से तो वह पहले ही गुजर रही थी, उधर उसके बच्चे के पैर में चोट लगने के कारण हड्डी का ऑपरेशन जरूरी हो गया था। थाना प्रभारी रसेल परवेज ने बताया कि रिश्रा के 3 नंबर 12 हाथकाली इलाके के रहने वाले 11 वर्षीय सुब्रत दीप सील के पैर में चोट लगी थी। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने ऑपरेशन करने को कहा। हड्डी का ऑपरेशन करते समय डॉक्टरों को जांच में पता चला कि बच्चे के दिल में भी छेद है, जिसका ऑपरेशन भी बेहद जरूरी है। उसके पिता पेशे से राजमिस्त्री है। आर्थिक रूप से कमजोर परिजनों के लिए बच्चे का 2 ऑपरेशन करवाना संभव नहीं था। यह खबर किसी तरह थाना प्रभारी के कानों तक पहुंची। उन्होंने तत्काल पीड़ित बच्चे की मां को थाने बुलाकर अपने बूते 15,000 रुपये का चेक सुपुर्द किया। रसेल ने मीडिया के माध्यम से स्थानीय लोगों, स्वयंसेवी संस्थाओं, समाज सेवियों तथा गुप्त मददगार को आग्रह किया है कि बच्चे की मदद के लिए आगे आए। उन्होंने पीड़ित बच्चे की मां को यह आश्वासन दिलाया है कि आगे भी वह अपने बूते यथासंभव मदद प्रदान करते रहेंगे। বাচ্চা বিশ্বাসানোর পক্ষ থেকে সাহায্য তুলে দেওয়া হচ্ছে বাচ্চা মায়ের হাতে।